नमस्कार, यूपी नाउ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप बराबर लगाते रहते हैं, पर क्या वास्तव में ऐसा है? हाल के दिनों में प्याज किसानों को उनकी फसल की लागत से कम मिलते मूल्य के बाद भी हो रही दुर्दशा और उसके बाद भी महाराष्ट्र की भाजपा सरकार की उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति बेरुखी को देखते हुए लगता है कि भाजपा पर किसानों के मामले में लगाए जा रहे विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं सही हैं। मीडिया में आ रही रिपोर्टों को देखने और पढ़ने के बाद अब आम और सामान्य लोग भी किसानों के हालात पर प्रश्न पूछने लगे हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा किसानों के हितों की अनदेखी वास्तव में कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के पास केंद्र की मूल्य स्थिरीकरण योजना होने के बाद भी वह उससे प्याज किसानों की मदद क्यों नहीं कर रही है। मजे की बात यह है कि इस योजना को स्वयं केंद्र की मोदी सरकार ने इन परिस्थितियों में फंसे किसानों की मदद के लिए लागू किया था और जो हमारी जानकारी के मुताबिक अभी भी चल रही है। आपको ज्ञात होगा कि प्याज किसान अपनी उपज 51 पैसे प्रति किलो या फिर कुछ रुपयों में बेचने के लिए नासिक की मंडियों में बाध्य हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार उन्हें राहत देने का औजार मौजूद होने के बाद भी कोई राहत प्रदान नहीं कर रही है। आपको बता दें कि नासिक की एओला तहसील में कृषि उत्पादन बाजार समिति में चंद्रकांत भीकम देशमुख ने 545 किलोग्राम प्याज 51 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा, जिसके बाद उन्हें 216 रुपए मात्र प्राप्त हुए। गुस्साए किसान ने यह राशि भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार को मनी ऑर्डर के जरिए भेज दिया। इससे पहले भी जिले के निपात तहसील के एक अन्य किसान संजय साठे ने 750 किलोग्राम प्याज की बिक्री से हुई 1064 रुपए की अपनी कमाई को प्रधानमंत्री कार्यालय के पास भेज दिया था। आज फिर मीडिया में रिपोर्ट है कि कम प्याज के दाम मिलने के कारण और अधिक कर्ज होने के कारण महाराष्ट्र के दो किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अब प्रश्न यह है कि इन परिस्थितियों में किसानों को मदद देने के लिए क्या कोई योजना सरकार के पास है? तो हम बता दें कि मूल्य स्थिरीकरण फंड योजना के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसानों की मदद कर सकते हैं। केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही नहीं, दूसरे भी राज्यों के पास यह फंड योजना है, जिससे वे इस तरह की परिस्थितियों में फंसे किसानों की मदद कर सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि आखिर मूल्य स्थिरीकरण कोष क्या है। इस योजना को 2015 में कृषि मंत्रालय ने लागू किया था। 2015 में मूल्य स्थिरीकरण कोष के परिचालन के दिशा निर्देश का मसौदा जारी कर दिया गया था। इसे आलू और प्याज के बाजार में स्थिरता के लिए इनकी खरीद और वितरण में इस्तेमाल किया जाना है। कोष की शुरुआती पूंजी 500 करोड़ रुपए रखी गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसका उद्देश्य जल्दी खराब होने वाले कुछ चुनिंदा सब्जियों और बागवानी उत्पादों के बाजार में हस्तक्षेप कर मूल्यों को स्थिर रखना है। जल्दी खराब होने वाले फल सब्जियों की कीमतें ज्यादा घटने से इस कोष से उनकी खरीद कर बफर स्टॉक बनाया जा सकता है और बाजार में उछाल के समय सस्ती आपूर्ति बढ़ाने के लिए इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकता है। परिचालन दिशा निर्देशों के मुताबिक शुरुआत में हस्तक्षेप से प्याज और आलू के लिए होगा, लेकिन बाद में अन्य जिन्सों को इसमें जोड़ा जा सकता है। पीएसएफ को 2014-15 में 2016-17 के लिए भी लागू किया गया था। मानदंडों के मसौदे के मुताबिक इस कोष से सक्षम एजेंसियां ब्याज मुक्त कार्य पूंजी मुहैया कराएंगी, ताकि इसका उपयोग फल सब्जियों की खरीद के लिए किया जा सके। इसका उपयोग फल और प्याज और आलू के लिए प्रारंभ में किया जाएगा। इस राशि को एक नए बचत खाते में रखा जाएगा और इसका प्रबंधन सरकार की लघु किसान व्यापार कंसोर्टियम करेगी।
ना ना ना।